हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट किया था, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 26 देखो। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है, लेट अ रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन, है ना। एक रिलेशन आर है और यहाँ पे एक सेट की बात कर रहा है, नेचुरल नंबर। एन क्या है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी एन जो है नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। बी डिफाइंड बाय, और रिलेशन कुछ इस तरह से डिफाइन किया है, स्मॉल एम रिलेटेड टू स्मॉल एन इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय एम माइनस एन इन टू एम माइनस थ्री एन, एम माइनस थ्री एन इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये रिलेशन है, इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमसे पूछा गया है क्या ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, ये बताना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए हमें देखना पड़ेगा तीन चीज़ें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे हम लोग तीनों चेक करेंगे एक एक करके, सही है। इन तीनों में से कोई एक भी अगर नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप पहले रिफ्लेक्सिव पे बात करते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव, है ना, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। अच्छा, इससे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो रिलेशन आर है वो किसका सबसेट होगा। तो जो रिलेशन आर है वो सबसेट होना चाहिए एन क्रॉस एन का, सही ना, क्योंकि सेट क्या दिया हुआ, नेचुरल नंबर। तो एन क्रॉस एन का ही सबसेट होना चाहिए रिलेशन। सबसेट बोले तो एन क्रॉस एन में जो भी एलिमेंट आएगा उसी का पार्ट होगा रिलेशन, उससे बाहर नहीं हो सकता। अच्छा, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, सेम सेम एलिमेंट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ले लें एम कॉमा एम, है ना, एम कॉमा एम रिलेटेड टू आर, हमने मान लिया कि एम कॉमा एम एलिमेंट होगा रिलेशन का, तो इसका मतलब ये हुआ कि एम कॉमा एम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई किया तभी वो बिलोंग करेगा आर को, तो चेक कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम रखेंगे एम, एम की जगह क्या रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम माइनस एन है, तो यहाँ पे एम और एम दोनों सेम है, एम रिलेटेड टू एम बोल देंगे इसका मतलब, यानी कि एन की जगह भी हम लोग एम रख देंगे, है ना। तो एम माइनस एम और इनटू आ जाएगा एम माइनस थ्री एम, क्योंकि हर जगह क्या है एम है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जीरो। क्यों? एम माइनस एम जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एम कॉमा एम जो रिलेशन को बिलोंग करेगा, क्यों? क्योंकि इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ये ट्रू है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम कॉमा एम, एम कॉमा एम बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एम क्या है? सभी नेचुरल नंबर के लिए ये चीज़ें हमें मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये हो कि रिफ्लेक्सिव है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में तो कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम लोग बात करेंगे फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में बात करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक ऑर्डर पेयर लेना पड़ेगा, सही ना, एक ऑर्डर पेयर लेना पड़ेगा। क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है तो हमें एक एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। देखो, सिमेट्रिक के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि लेट क्या ले लिया जाए, 9.3 लेते हैं ना, 9.3 क्या ये बिलोंग करेगा आर को, तो देखते हैं, है ना। 9.3 अगर रिलेशन में हुआ, रिलेशन के बिलोंग किया, तो इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एम की जगह 9 रख देंगे और एन की जगह 3, तो रख के देखते हैं। तो 9-3 और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 9-3 × 3, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में से 3 गया, 6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 9-9 × 0, यानी कि 0 आ गया, जो कि ये सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने एक ऑर्डर पेयर लिया 9.3 जो आर को बिलोंग कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग उल्टा इसका देखते हैं, क्या 3.9 जो वो बिलोंग करेगा आर को, तो आप देखोगे ये बिलोंग नहीं करेगा। चेक करके मैं दिखा देता हूँ, देखो 3.9 देखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 3-9
और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3 माइनस 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 3 माइनस 9 -6 हो जाएगा, और 3 माइनस 9 27 तो माइनस में 21 हो जाएगा, है ना। 9 27 27 में से 3 गया 24 आ जाएगा, 24। तो आप देखोगे ये 0 के बराबर नहीं है, है ना। 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब ये जो ऑर्डर पेयर है इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमने क्या देखा, 9, 3 ये तो रिलेशन में है बट 3, 9 रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब ये कि ये जो है ये असिमेट्रिक नहीं होगा। तो हम लोग बोलेंगे 9, 3 बिलोंग्स टू आर बट 3, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सही है, क्योंकि सिमेट्रिकली तो दोनों होना चाहिए था, है ना। 9, 3 है तो 3, 9 भी होना चाहिए था, जो कि ऐसा नहीं है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। और चूंकि ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, है ना, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ, तो ये इक्वेलेंस भी नहीं होगा। तो बोलेंगे आर इज नॉट इक्वेलेंस रिलेशन, इक्वीवेलेंस रिलेशन, आर जो है इक्वेलेंस रिलेशन नहीं है। और ये इसका हो गया आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में कोई भी अगर एक नहीं हुआ तो ये इक्विवेलेंस नहीं होता है ना। अब मान लो कि कोई रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो आपको एक एग्जांपल दिखा देना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, और अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। आप डायरेक्ट थ्योरी से लिख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 इसमें लिखा है लेट एफ सच दैट एक्स एक्स रिलेटेड टू वाई, है ना, एक्स टू वाई, और बी अ फंक्शन, ये क्या है, कोई एक फंक्शन है, ठीक है। डिफाइन अ रिलेशन आर, है ना, डिफाइन अ रिलेशन आर इन एक्स, है ना, ऐसा लिखा है, रिलेशन रिलेशन आर इन एक्स। तो इसका मतलब एक्स क्रॉस एक्स में ही हम लोग ढूंढेंगे ऑर्डर पेयर जो भी होगा। एज रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ए कॉमा बी सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, सही है ना। चलिए एग्जामिन इफ आर इज एन इक्वेलेंस रिलेशन, हमें ये चेक करना है कि क्या आर जो है इक्वेलेंस रिलेशन है। तो चलिए चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले बात करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें सेम सेम रखना पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे a, बिलोंग्स टू आर, अगर a, आर को बिलोंग किया तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम लोग क्या देखेंगे, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो ये ट्रू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ आर इज रिफ्लेक्सिव, सही ना। अच्छा हाँ, यहाँ पे जो भी ए ले रहे हैं वो एक्स को बिलोंग करेगा, है ना, आर इन एक्स। अच्छा बी नंबर में ले लेते हैं, फॉर सिमेट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे मानना पड़ेगा लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ये हमने मान लिया, तो इसका मतलब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी ऐसा होगा, ये हमने माना। यहाँ पे लिख देते हैं फॉर ऑल सॉरी यहाँ पे ए और बी जो बिलोंग करेगा किसको, ए एंड बी बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ पे ए कॉमा बी है, अगर हम लोग ऐसा बोलें कि अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर है तो डेफिनेटली एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए के बराबर होगा, और अगर ऐसा हुआ तो हम लोग बोलेंगे बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, है ना। तो इसका मतलब ए कॉमा बी आर को बिलोंग किया तो बी कॉमा ए भी आर को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे बोलेंगे कि आर इज सिमेट्रिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी नंबर फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, तीन दो ऑर्डर पे हम लोग मान लेते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ये इम्प्लाइज दैट ए एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, है ना, ऐसा होगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एक्स। अच्छा
और यहाँ पे ले लेंगे बी कॉमा सी, ये भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ बी जो है वो बराबर होगा एफ ऑफ सी के, तो यहाँ पे भी बोलेंगे बी एंड सी बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, चलिए तो आप देखोगे कि अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर है और एफ ऑफ बी एफ ऑफ सी के बराबर है, तो एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए के बराबर और एफ ऑफ बी एफ ऑफ सी के बराबर, तो जरूर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी ये दोनों बराबर होगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, सही है। तो यहाँ पे हमें क्या बोलना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा क्या कि इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी ये भी बिलोंग करेगा आर को। तो हमने क्या नोटिस किया, ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी बिलोंग किया आर को, अगर ऐसा हुआ तो जरूर ए सी बिलोंग कर रहा है आर को। तो यहाँ बोलेंगे आर इज ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। और ये जो हमारा रिलेशन, ये तीनों हो गया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, और हमें ये बताना था इक्वेलेंस है या नहीं है। तो हाँ, ये इक्वेलेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए गिवन बाय आर। अच्छा, एक ए सेट दिया हुआ है, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 और 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 एंड 5, ठीक है। एंड गिवन बाय, जो रिलेशन है वो दिया हुआ है इस तरह से, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट, ए कॉमा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन, इज इवन। तो ये क्या है, इवन होना चाहिए, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें ये प्रूफ करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, सही है। इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन है, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू इच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू इच अदर, बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। अच्छा देखो, इसमें दो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ कर लेते हैं, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो अपने आप प्रूफ हो जाएगा, सही ना। और क्या कह रहा है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग ये प्रूफ कर लेते हैं कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो यहाँ पे आप देखो कि सेट ए में एलिमेंट्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तो सभी ऑर्डर पेयर को लिख लेते हैं जो रिलेशन में आने वाला है, सही ना। रिलेशन में वही ऑर्डर पेयर आएगा जिसका माइनस करने पर और उसका मॉडुलस लेने पर वो इवन नंबर आए, सही ना, उसी को हम लोग रिलेशन में रख सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रहे कि हमारा जो रिलेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस ए का, क्योंकि रिलेशन इन ए है, तो ए क्रॉस ए में ही सबसेट होना चाहिए। तो अगर हम लोग ए क्रॉस ए निकालें तो इसमें क्या क्या मिलेगा, तो ए क्रॉस ए निकालने के लिए हमें क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसा लिखेंगे, है ना। और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 2 3 4 और 5 से, तो लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पे हम लोग रिलेशन देखते हैं कि रिलेशन में कौन कौन सा एलिमेंट आ सकता है, हमें वो एलिमेंट लेना है जिसका ऑर्डर पेयर इस प्रकार से हो कि ए माइनस बी करने पर उसका मॉडुलस लेने पर इवन नंबर आए, सही है। अच्छा तो ढूंढते हैं, चलो पहले हम लोग 1 1 लेते हैं, क्या 1 1 जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, तो लिखते हैं 1 1 1 1। तो 1 1 अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ ए 1 माइनस 1 1 माइनस 1, तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, सही ना। इसका मतलब ये हुआ 0 इज इवन, है ना, 0 इज इवन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब 1 1 हम लोग ले सकते हैं। अच्छा 1 1 ले सकते हैं, क्या 1 2 ले सकते हैं, तो 1 और 2 लेंगे तो 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 आने पर ऑड हो जाएगा, तो 1 2 नहीं लेंगे, है ना। 1 3 ले लेते हैं, तो 1 3 ले लेते हैं, है ना, 1 3, तो 1 3 में देखो 1 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा,
वन माइनस थ्री करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस टू, और मॉडुलस लगाया टू आएगा, ये भी क्या है इवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा वन थ्री भी आ गया, अब जरा वन फोर लेंगे तो वन फोर हो नहीं सकता, नहीं तो थ्री आ जाएगा, ये ऑड आ जाएगा। वन फाइव ले सकते हैं तो वन फाइव ले लेते हैं, ठीक है। वन फाइव हम लोग लेंगे तो क्या मिलेगा, वन माइनस फाइव, तो यहाँ पे आ जाएगा फोर, जो कि इवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इवन वाले को ही लेना है यहाँ पे। तो इस तरह से अगर हम लोग लेंगे तो बहुत बहुत सारा नंबर आएगा, तो वन फाइव भी ले लिए, चलो टू से लेते हैं, तो टू वन ले नहीं सकते, टू टू ले सकते हैं, तो टू कॉमा टू लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टू माइनस टू इक्वल टू जीरो, जो कि इवन है। अच्छा टू टू हो गया, टू टू थ्री नहीं ले सकते हम लोग, टू फोर ले सकते हैं, तो टू फोर लेंगे, टू फोर लेंगे तो क्या आएगा, टू माइनस फोर यानी कि टू आएगा, जो कि इवन है, हमें ध्यान रखना है माइनस इवन आना चाहिए। टू फोर, टू फाइव नहीं ले सकते, ऑड आ जाएगा। थ्री वन ले सकते हैं, है ना, थ्री वन करेंगे तो थ्री माइनस वन करेंगे टू आएगा, जो कि इवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा थ्री वन हो गया, थ्री टू ले सकते हैं, नहीं, थ्री फोर ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, और थ्री फाइव ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, थ्री कॉमा फाइव ले सकते हैं, तो थ्री फाइव लेंगे तो क्या आएगा, थ्री माइनस फाइव यानी कि टू आ जाएगा। अच्छा थ्री वन देख लिए है ना, थ्री टू भी देख लिए, थ्री टू तो आएगा नहीं, थ्री फोर, थ्री थ्री, हाँ थ्री थ्री भी आएगा ना, तो थ्री थ्री छूट गया, इसको भी ले लेते हैं, तो थ्री कॉमा थ्री, तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री कॉमा थ्री, और आएगा जीरो, और जीरो क्या है, इवन है, और फिर आ जाएगा थ्री कॉमा फाइव, ये भी आ जाएगा थ्री माइनस फाइव यानी कि टू आ जाएगा, जो कि इवन है। थ्री से तो देख चेक कर चुके हैं, फोर से चेक कर लेते हैं, तो फोर फोर वन ले सकते हैं, नहीं, फोर टू, हाँ ले सकते हैं, तो फोर कॉमा टू ले लेते हैं ना, फोर कॉमा टू लेंगे, फोर माइनस टू क्या आएगा, टू आ जाएगा, जो कि इवन है। अच्छा फोर टू ले लिए, फोर थ्री नहीं ले सकते हैं, फोर फोर ले सकते हैं, तो फोर कॉमा फोर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे सभी, हाँ आ गया है, फोर फोर ले सकते हैं, फोर फोर में क्या होगा, फोर माइनस फोर यानी कि आ जाएगा जीरो, वो जो कि इवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा फोर फोर हो गया, फोर फाइव नहीं ले सकते, तो ये कंप्लीट हो गया। फोर से फाइव से बात करें तो फाइव वन ले सकते हैं, फाइव वन की बात करें तो ये आ जाएगा कितना, फाइव माइनस वन यानी कि फोर आ जाएगा, जो कि इवन है, इज इवन, ये भी इवन है। अच्छा फाइव वन हो गया, फाइव टू नहीं ले सकते, फाइव थ्री ले सकते हैं, तो फाइव थ्री ले लेते हैं, फाइव माइनस थ्री करेंगे तो क्या आएगा, टू है, जो कि इवन है। अच्छा फाइव थ्री हो गया, फाइव फोर नहीं ले सकते, फाइव फाइव ले सकते हैं, तो फाइव कॉमा फाइव, इसमें क्या आएगा, फाइव माइनस फाइव जो कि जीरो, जो कि इवन है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि रिलेशन में कौन कौन सा एलिमेंट्स आएगा, तो वो आएगा वन वन, वन वन आ रहा है ना, वन वन आ रहा, अच्छा वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, फाइव फाइव, सभी आ रहा था, वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर और फाइव फाइव आ गया, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अच्छा बाकी जो बचा उसको भी लिख लेते हैं, वन थ्री है, वन थ्री है, वन फाइव है ना, वन थ्री, वन फाइव, टू फोर, टू फोर है, फिर थ्री वन है, थ्री वन है, फिर थ्री फाइव है, थ्री फाइव है, फिर फोर टू है, फिर फोर फोर तो हमने लिख लिया है, फाइव वन है, फाइव वन है, और फिर फाइव थ्री है, फिर फाइव फाइव है, फाइव फाइव है, तो ये हमारे रिलेशन में एलिमेंट्स आ गया। अब आप इसको देखकर बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, चेक कर लेते हैं। तो चूंकि वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, फाइव फाइव है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव होना ही होना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, सही है ना, रिफ्लेक्सिव हो गया। अच्छा पहला नंबर आर तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिक पे, तो जो रिफ्लेक्सिव वाला एलिमेंट है वो तो सिमेट्रिक होगा ही होगा, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ चेक करते हैं, वन थ्री तो थ्री वन भी होगा, है ना, वन फाइव तो फाइव वन भी होगा, है ना, टू फोर है तो फोर टू भी होगा, थ्री वन है तो वन थ्री है, थ्री फाइव है तो फाइव थ्री भी होगा, देखो फाइव थ्री है, फोर टू है तो टू फोर भी है, फाइव वन है तो वन फाइव भी है ना, फाइव थ्री है तो थ्री फाइव भी है, थ्री फाइव ये रहा, फिर फाइव फाइव है तो फाइव फाइव तो ये खुद का होता है। अच्छा तो यहाँ पे फाइव फाइव हमने दो बार लिख दिया, तो एक ही बार लिखेंगे ना, एक बार तो पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, तो फाइव थ्री, तो आर इज रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सेमेट्रिक हो गया, है ना, बी नंबर, आर इज सेमेट्रिक, सेमेट्रिक सही है ना। अच्छा सी ट्रांजिटिव भी बात करते हैं, तो इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है, ट्रांजिटिव अगले वाले चेक करेंगे। देखो यहाँ पे थ्री थ्री पे खत्म हुआ, तो थ्री से स्टार्ट होने वाला कौन है, ये रहा, तो वन कॉमा वन इसमें होना चाहिए, देखो है। अच्छा अब अगला ये फाइव, फाइव पे खत्म हुआ था, फाइव से स्टार्ट होने वाला कौन, ये है, तो वन कॉमा वन इसमें होना चाहिए, बिल्कुल है। अच्छा
अब ये फोर पे खत्म हुआ, तो फोर से स्टार्ट होने वाला कोई है, ये रहा, तो टू कॉमा टू होना चाहिए, देखो है। अच्छा ये वन है, वन से स्टार्ट होने वाला ये रहा, है ना, तो वन, ये देखो वन पे खत्म हुआ, वन से ये स्टार्ट हुआ, तो थ्री कॉमा फाइव इसमें होना चाहिए, देखो थ्री कॉमा फाइव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये फाइव पे खत्म हुआ, तो फाइव से स्टार्ट होने वाला ये है, तो थ्री कॉमा वन इसमें होना चाहिए, है ना, थ्री कॉमा वन, और थ्री कॉमा वन देखो इसमें है ना, यानी कि आप सभी को चेक कर लो, सभी आपको इसमें मिलेगा। जैसे यहाँ पे टू पे खत्म होता है, टू से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं, हाँ ये है, तो यहाँ पे फोर कॉमा फोर होना चाहिए जो कि है, तो आप जितना भी ये सभी को चेक कर लो, ये ट्रांजिटिव है, तो आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। तो हमने क्या देखा कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी है, तो बोलेंगे सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अच्छा अब इसका जो सेकंड पार्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो सुनो, इसमें लिखा है कि सो दैट, हमें ये प्रूफ करना है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू इच अदर, 1 3 5 जो है सिर्फ अपने ही एलिमेंट्स से रिलेटेड है, ये दिखाना है। देखो ऑलरेडी हमने दिखाया हुआ है, 1 3 5 जो है, जैसे यहाँ देखो वन वन से रिलेटेड है, थ्री थ्री से, फाइव फाइव से, वन थ्री से रिलेटेड है, वन फाइव से रिलेटेड है, थ्री वन से रिलेटेड है, थ्री फाइव से रिलेटेड, फाइव वन से, फाइव थ्री से, यानी कि आप देखो 1 3 5 जो है अपने ही एलिमेंट से रिलेटेड है, अपने ही एलिमेंट बोलो 1 3 5 जो है तो 1 3 5 से ही रिलेटेड है, जैसे वन वन से रिलेटेड हो गया, थ्री थ्री हो गया, फाइव फाइव हो गया, वन थ्री हो गया, वन फाइव हो गया, तो ये सभी किससे रिलेटेड है, 1 3 5 जो है 1 3 5 से ही रिलेटेड है, अपने आप से रिलेटेड है। आप कह सकते हो कि जो हमारा ऑड वाला पार्ट है वो ऑड से ही रिलेटेड है। अच्छा तो ये तो यहाँ पे दिख ही रहा है। अच्छा आगे बोलो, टू इच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू इच अदर, यानी कि जो भी इवन वाला है 2 4 वाला है, 2 4 अपने ही एलिमेंट से रिलेटेड है। देखो 2 4 है, देखो यहाँ पे 2 2 है ना, 4 4 है, 2 4 है, फिर यहाँ पे 4 2 है, तो 2 4 और 4 2 ये सब अपने अपने में रिलेटेड है, 1 3 5 अपने आप में रिलेटेड है, 4 2 या 2 4 अपने आप में रिलेटेड है, यानी और ये जो दोनों है 1 3 5 और 2 4 एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, मतलब जिसमें 1 3 5 आ रहा है उसमें 2 या 4 नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं ऐसा यहाँ पे, तो वही बोला प्रूफ कीजिए, तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है कि 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4, है ना, ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसी लाइन को कॉपी कर लो, कि क्या कॉपी करना है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 1 3 5 ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 रिलेटेड टू इच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू इच अदर आर रिलेटेड टू इच अदर, है ना, और इसके बाद एक लाइन और, बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 1 3 5 आर रिलेटेड टू 2 कॉमा 4 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ टू कॉमा फोर, और ये हो गया प्रूव्ड, यानी कि यहाँ पे ये सिर्फ हमें लिख देना था इस लाइन को, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है कि 1 3 5 अपने आप से रिलेटेड है और 2 कॉमा 4 अपने आप से रिलेटेड है, लेकिन 1 3 5 और 2 4 जो है एक किसी भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, सही है ना, तो ये मैं प्रूफ करना था। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 29।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 नंबर, इसमें लिखा है लेट आर बी द रिलेशन डिफाइन इन द सेट ए, और ए सेट में एलिमेंट दिया है 1 से 7 तक, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बाय रिलेशन आर दिया हुआ है, और रिलेशन आर दे दिया है किस प्रकार से कि ए कॉमा बी है ना, सच दैट बोथ ए एंड बी आर बोथ ए एंड बी आर आइदर और इवन, आइदर और इवन, यानी कि रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर लेंगे, जो ऑर्डर पेयर होगा वो इस प्रकार से होना चाहिए, या तो दोनों ऑड हो या तो दोनों इवन हो, इस तरह से हमें रिलेशन में एलिमेंट्स को रखना है। और एलिमेंट्स कौन कौन से रख सकते हैं, 1 2 3 से लेकर 7 तक का, सही। चलिए तो रिलेशन में हम लोग एलिमेंट्स को लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रिलेशन में कौन कौन सा एलिमेंट्स आएगा तो देखते हैं। देखो 1 1 आएगा, बिल्कुल दोनों ऑड है, चलेगा। 2 2 आएगा, बिल्कुल, या तो दोनों ऑड होना चाहिए या तो दोनों इवन होना चाहिए, तो दोनों हमने इवन ले लिए तो भी चलेगा। 3 3 चलेगा, ऑड है दोनों। 4 4 ये भी चलेगा। 5 5 ये भी आएगा। 6 6 ये भी आएगा। 7 7 ये भी आ जाएगा। इससे ज़्यादा हम लोग नहीं ले सकते हैं क्योंकि ए क्रॉस ए का ही सबसेट होना चाहिए। अच्छा अब देखते हैं कि क्या 1 2 आ सकता है, तो 1 2 नहीं आ सकता, एक ऑड एक इवन है तो नहीं हो सकता, दोनों ऑड होना चाहिए दोनों इवन होना चाहिए। तो 1 3 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, दोनों ऑड है। तो क्या 1 4 ले सकते हैं, नहीं। 1 5 हाँ 1 5 ले सकते हैं। क्या 1 6 ले सकते हैं, नहीं। 1 7 ले सकते हैं, बिल्कुल 1 7 ले सकते हैं। अच्छा तो 1 से जितना भी पॉसिबिलिटीज था ले लिए। 2 से बात करते हैं, तो क्या 2 1 ले सकते हैं, नहीं। 2 2 2 2 तो ऑलरेडी ले चुके हैं। 2 3 नहीं, एक ऑड इवन है। 2 4 हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, दोनों इवन होना चाहिए दोनों ऑड होना चाहिए। 2 5 नहीं हो सकता, 2 6 ले सकते हैं, 2 7 नहीं ले सकते। तो 2 से रिलेटेड जितना था लिख दिए। अब 3 से बात करते हैं, क्या 3 1 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, दोनों ऑड है। 3 2 ले सकते हैं, नहीं। 3 4 नहीं। 3 5 ले सकते हैं, है ना, 3 5 दोनों ऑड हैं। अच्छा 3 6 ले सकते हैं, नहीं। 3 7 ले सकते हैं, 3 से रिलेटेड जितना था लिख दिए। आप 4 से बात करते हैं, तो क्या 4 1 ले सकते हैं, नहीं। 4 2 ले सकते हैं, 4 3 नहीं, 4 4 ले सकते हैं, 4 4 तो ऑलरेडी लिखा हुआ, 4 5 नहीं, 4 6 ले सकते हैं, 4 7 नहीं ले सकते हैं। 5 से बात करें तो 5 1 ले सकते हैं, 5 2 नहीं, 5 3 हाँ ये चलेगा, 5 4 नहीं, 5 5 चलेगा, लेकिन 5 5 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, 5 6 नहीं, 5 7 लिखेंगे, है ना, 5 5 8 तो होगा ही नहीं। 6 से बात करते हो, 6 1 ले सकते हैं, नहीं। 6 2 ले सकते हैं, दोनों इवन है। 6 2 6 3 6 3 नहीं ले सकते, 6 4 ले सकते हैं, दोनों इवन है। 6 4 हो गया, 6 5 नहीं, 6 6 तो ऑलरेडी लिया हुआ है, 6 7 नहीं ले सकते। 7 से बात करते हो, 7 1 ले सकते हैं, है ना, 7 2 नहीं, 7 3 ले सकते हैं, फिर 7 5 ले सकते हैं, और फिर 7 7 वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो बस यही पेड़ मिल सकता है, इसके अलावा कोई और पेड़ नहीं मिलेगा। अब हमें क्या प्रूफ करना है इसमें कि लेट आर बी द रिलेशन, ये आर तो दिया हुआ है ही, सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें ये प्रूफ करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन है, फर्दर सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू इच अदर, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 2 4 6 आर रिलेटेड टू इच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ द सबसेट 1 3 5 7 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ द सबसेट 2 4 6। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है जैसा इसके पिछले वाले में था, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पर सब कुछ लिखे हुए हैं, यहाँ पर लिख देंगे, आप चेक कर लेंगे। चलो तो पहले तो स्टार्ट करते हैं कि इसको हमें प्रूफ करना है इक्विवेलेंस, उसके लिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। चलो चेक करना स्टार्ट करते हैं। पहला, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 7 7 6 7 7 चाहिए है। देखो 1 1 है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7, तो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव सही ना। बी नंबर की बात करते हैं, बी में बोलेंगे क्या, बी में है सिमेट्रिक, है ना, फॉर सिमेट्रिक के लिए, तो सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए होगा, तो जो रिफ्लेक्सिव वाला है इसको तो छोड़ देंगे, बाकी वो चेक करते हैं। 1 3 क्या 3 1 होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि दोनों ऑड ऑड है। 1 5 है तो क्या 5 1 होगा, बिल्कुल होगा, ऑड है। 1 7 7 1 भी होगा। 2 4 है तो 4 2 भी होगा क्योंकि ऑड इवन इवन है।
टू सिक्स है तो सिक्स टू भी होगा, थ्री वन है तो वन थ्री भी होगा, है ना, यानी सबका उल्टा अवेलेबल होगा। तो बोलेंगे आर इज सेमेट्रिक, आर इज सेमेट्रिक, यहां पे सब कुछ लिखा हुआ चेक कर लेना है ना, सी नंबर। तो आर इज क्या ये ट्रांजिटिव होगा? बिल्कुल होगा। एक दो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, बाकी आप चाहो तो चेक कर लेना। देखो जैसे यहाँ तो चेक करना स्टार्ट करें, थ्री भी खत्म हुआ तो थ्री से स्टार्ट होने वाला कोई है, देखो थ्री से स्टार्ट होने वाला ये है, तो इसका मतलब इसका वन और इसका वन होना चाहिए, बिल्कुल है। अच्छा थ्री से स्टार्ट होने वाला ये भी है, तो यहाँ पे वन यहाँ पे फाइव, तो वन फाइव होना चाहिए, देखो वन फाइव इसमें होगा, देखो वन फाइव है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा आप थ्री से और भी स्टार्ट होने वाला है क्या? और कोई नहीं है, इसका मतलब चेक हो गया। वन फाइव से चेक करना चाहो चेक कर सकते हो, फाइव से देख कर चेक करो, तो फाइव से स्टार्ट होने वाला कौन कौन है? फाइव से स्टार्ट होने वाला ये देखो ये है, तो वन कॉमा वन होना चाहिए जो कि है। अच्छा फाइव से स्टार्ट होने वाला ये भी है, तो वन कॉमा थ्री भी होना चाहिए, देखो यहाँ पे है। अच्छा फाइव से स्टार्ट होने वाला ये भी है, तो वन कॉमा सेवन भी होना चाहिए, देखो है। तो इस तरह से आप चेक करोगे तो सभी आपको पेड़ मिल जाएगा। तो आप बोलोगे सर इस तरह से सभी को चेक करेंगे? नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि हमें प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, प्रूफ करना है, इसका मतलब इक्विवेलेंस होगा ही होगा, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा। तो लिख दो आप आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ट्रांजिटिव है, सही है ना, आप चेक कर सकते हो। तो बोलेंगे सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि फर्दर सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू इच अदर। 1 3 5 7 जो है अपने आप से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बोला गया था कि दोनों ऑड होना चाहिए, दोनों इवन होना चाहिए। तो अगर हम लोग ऑड की बात करें तो 1 3 5 7 ही ऑड है, तो 1 3 5 7 जो है अपने ही एलिमेंट के आसपास से वो रिलेटेड होगा, 1 3 5 7 है तो उसी से आसपास से रिलेटेड होगा, कोई ऑड कोई इवन एक साथ तो हो नहीं सकता। तो ये बात तो बिल्कुल यहाँ पे दिख ही रहा है आपको, सही है। तो बस इसको कॉपी कर देंगे यहाँ पे, सब कुछ ये बात सही है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या कि सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट, यहाँ पे लिख देते हैं एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 1 3 5 7 रिलेटेड टू इच अदर, इच अदर एंड एलिमेंट्स ऑफ कौन सा इवन ले लो, 2 4 6, यहाँ पे बोला गया 2 4 6 2 4 6 आर रिलेटेड टू इच अदर, सही ना। बट अब यहाँ पे एक लाइन और है रिलेटेड टू इच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ द सबसेट, बट नो एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 1 3 5 1 3 5 7 1 3 5 7 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ द सबसेट, एनी एलिमेंट ऑफ द सबसेट टू फोर सिक्स, सही ना। और ये हो गया प्रूफ, आप चेक कर सकते हो इस बात को यहाँ पे, सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 इसमें लिखा है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, सेट ए दिया हुआ है, सेट ए ए दिया हुआ एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड बोले तो इंटीजर, सही ना। सच दैट एक्स की जो वैल्यू है
वो 0 से बराबर या 0 के बड़ा और 12 से छोटा 12 के बराबर होना चाहिए, सही ना। गिवन बाय रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी, ठीक है ना, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। यहाँ पे बोला गया है कि रिलेशन ये है और ए सेट दिया हुआ है, एक्स जो है वो इंटीजर होगा, कोई भी इंटीजर होगा, लेकिन वो इंटीजर होना चाहिए 0 से लेकर के 12 तक, सही है ना। तो यहाँ पे जो जो रिलेशन में एलिमेंट आ सकता है उसको यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन आएगा, ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी रखना है। ए इक्वल टू बी बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग ए कॉमा बी लेते हैं तो ए कॉमा बी इक्वल ए इक्वल टू बी तभी हो सकता है जब दोनों एलिमेंट सेम हो। तो इसका मतलब हमें ऑर्डर पे रखना पड़ेगा, 0 0 है ना, 1 1 टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव 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 कॉमा फाइव एंड सो ऑन, कब तक लिखेंगे 12 कॉमा 12 तक, सही ना। इस तरह से हमें लेना पड़ेगा क्योंकि सेम सेम ही रखना पड़ेगा, अदर डिफरेंट रखेंगे 0 1 रखेंगे दोनों बराबर में नहीं आएगा, इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। तो अगर इस कंडीशन को फॉलो करवाना है तो हमें यही एलिमेंट्स लेना पड़ेगा जो सेम सेम हो, 0 0 1 1 टू टू थ्री थ्री एंड 12 12 तक। तो यहाँ पे हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि ये आइडेंटिटी रिलेशन है ना। दिस इज एन आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, और जितना भी आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो सभी क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब यहाँ पे बोला गया है कि क्या लिखना है, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन इन ए, ठीक है, फाइंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, वन से रिलेटेड जो भी एलिमेंट है उसको लिखना है यहाँ पे। तो वन से रिलेटेड सिर्फ वन है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स लिख रहे हैं ना, ऑल क्या सिर्फ एलिमेंट्स लिखेंगे, एलिमेंट्स एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इज, सिर्फ वन लिख के छोड़ देंगे क्योंकि वन ही इससे रिलेटेड, वन जो है सिर्फ वन से ही रिलेटेड है, तो यही आपका आंसर हो गया, सही ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 31 पे, क्वेश्चन नंबर 31, तो क्वेश्चन नंबर 31 देखो, 31 में है लेट ए सेट दिया हुआ 1 2 3, 1 2 एंड 3, देन सो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए कंटेनिंग 2 कॉमा 3 3 कॉमा 2 इज 2। अच्छा, कंटेनिंग है ना, दो एलिमेंट्स तो रखना ही रखना है, 2 कॉमा 3 एंड 3 कॉमा 2 है ना, इज टू। हमें ये प्रूफ करना है यहाँ पे कि ये जो रिलेशन, सॉरी ये जो सेट दिया हुआ ए, तो रिलेशन जो इक्विवेलेंस रिलेशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन सिर्फ दो होगा अगर हम लोग इन दोनों एलिमेंट को रख के बनाएंगे तो, है ना। सभी पॉसिबल रिलेशन सिर्फ दो ही हो सकता है जो इक्विवेलेंस होगा और जिसमें 2 कॉमा 3 और 3 कॉमा 2 होना ही चाहिए, सही है। तो चलो हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो अगर हम लोग रिलेशन की बात करें तो रिलेशन सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का होगा, सही ना। तो ए क्रॉस ए में तो बहुत सारा एलिमेंट आ जाएगा, 1 1 2 2 3 3 एंड सभी आ जाएगा। तो एक रिलेशन ऐसा लेते हैं जो यूनिवर्सल रिलेशन होगा, यूनिवर्सल किसको बोलते हैं, ए क्रॉस ए में जितना भी एलिमेंट आएगा उन सबको लिख देते हैं, है ना। तो 1 1 फिर आ जाएगा 1 2 फिर आ जाएगा 1 3 फिर 1 से हो गया फिर 2 1 2 2 2 3 फिर 3 पे बात करते हैं 3 1 3 2 एंड 3 3 एंड 3 कॉमा 3 ये आ गया। तो ये भी क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, सही ना।
क्योंकि ए यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, आप चेक कर सकते हो। चलो तो एक तो ये हो गया, जिसके अंदर ये भी आ रहा है, टू थ्री थ्री टू भी आ रहा है ना, टू थ्री भी आ रहा है और थ्री टू भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक रिलेशन तो ये हो गया। दूसरा हम लोग बनाते हैं, दूसरा ऐसा बनाते हैं क्योंकि हमें इक्विवेलेंस रिलेशन रखना है, इक्विवेलेंस रिलेशन रखना है, तो वन वन टू टू थ्री थ्री तो होना ही चाहिए ताकि रिफ्लेक्सिव रह सके। तो वन वन टू टू थ्री थ्री तो रखना ही पड़ेगा, इसको तो हम लोग छोड़ ही नहीं सकते, है ना। अच्छा, इसके अलावा हमें इन दोनों को भी रखना है, टू कॉमा थ्री, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि टू कॉमा थ्री और थ्री कॉमा टू होना ही चाहिए। तो इसको लेकर के बनाते हैं, देखते हैं क्या ये इक्वेलेंस है। तो यहाँ से तो यहाँ तक चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ चेक करते हैं, टू थ्री थ्री टू तो सिमेट्रिक हो गया। अच्छा, थ्री से स्टार्ट हुआ, थ्री पे खत्म हुआ, तो टू कॉमा टू इसमें होना चाहिए, बिल्कुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप इसको छोड़ करके कोई और रिलेशन बनाने की कोशिश करोगे जिसमें ये सभी आता हो, तो आप देखोगे रिलेशन नहीं बनेगा, सही ना। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि लेट ए इक्वल टू देन सो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए कंटेनिंग इतना इज टू। तो बोलेंगे सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए कंटेनिंग टू कॉमा थ्री एंड थ्री कॉमा टू इज टू, और ये हो गया प्रूफ। सिर्फ दो ही बनेगा, इसके अलावा बनाने की कोशिश करोगे तो नहीं बनेगा, सही ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, 32 नंबर। इसमें लिखा लेट ए, दिया हुआ ए बी सी, एक सेट है ए बी एंड सी, सही है, ए बी सी दिया हुआ है। देन सो दैट द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए कंटेनिंग, है ना, कंटेनिंग दो एलिमेंट को रखना ही रखना है, बी सी को रखना है और सी ए को रखना है, सी ए को रखना है, ठीक है, बी सी और सी ए, विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक इज फोर। अच्छा, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, है ना। क्या क्या रखना है, मैं लिख लेता हूँ, क्या क्या होना चाहिए, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, है ना। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन सॉरी रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ऐसा सिर्फ चार ही इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलो बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, रिलेशन जो होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, ठीक है। तो यहाँ देखो आर वन पहले बनाते हैं, तो आर वन किसको ले लेंगे, हमें ध्यान रखना है रिफ्लेक्सिव रखना है, ट्रांजिटिव रखना है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं रखना है, सही है। तो रिफ्लेक्सिव रखने के लिए तो ए ए बी बी सी सी तो रखना ही पड़ेगा, तो ए कॉमा ए बी कॉमा बी और सी कॉमा सी को तो रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन नहीं ले सकते, नहीं तो वो सिमेट्रिक भी हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ दिखाना है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, बस सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान रहे, चूंकि रिफ्लेक्सिव है तो ए ए बी बी और सी सी तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ इन दोनों एलिमेंट को कंटेन करना है, रखना है, तो इसमें रखते हैं बी सी और सी ए। अब जरा चेक करते हैं, सही ना, क्या ये सही है। तो ए ए बी बी सी सी है तो रिफ्लेक्सिव हो गया। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए देखो इसको चेक करने की जरूरत नहीं, यहाँ तक यहाँ चेक करते हैं। देखो सी पे खत्म हुआ, सी से स्टार्ट हुआ, तो बी ए होना चाहिए जो इसमें नहीं है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बी कॉमा ए। तो देखो एक रिलेशन तो ये बन जाएगा, सही ना, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है, चेक कर लो, बी सी है क्या, सी बी है इसमें, सी बी इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, तो इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तो हमारा आंसर ये वाला हो गया जाएगा। अच्छा, अगला बनाने की कोशिश करते हैं आर टू, है ना। तो ए ए फिर बी बी और फिर सी और सी ले लेते हैं, है ना, और फिर बी सी और सी ए को तो रखना ही रखना है, इन दोनों को तो रखना ही रखना है, बी सी और सी ए को, बी सी और सी ए को रखना ही रखना है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं बी सी का उल्टा सी बी होता है ना, सी बी रख देखते हैं, सी बी तो क्या देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, तो रिफ्लेक्सिव तो है यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ देखो सी पे खत्म हुआ, सी से स्टार्ट हुआ, तो बी ए होना चाहिए, क्या इसमें बी ए है, नहीं है, तो यहाँ पे बी ए रख लेते हैं, बी कॉमा ए, सही है ना। अब चेक करते हैं, तो यहाँ देखो बी सी सी पे खत्म हुआ, सी से स्टार्ट हुआ, तो बी ए होना चाहिए, बी ए है, ए पे खत्म हुआ, ए से स्टार्ट होने वाला इसमें है ही नहीं, इसका मतलब चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बी पे खत्म हुआ,
तो बी से स्टार्ट होने वाली है, तो सी कॉमा सी यहाँ पे है। अच्छा बी पे खत्म हुआ तो सी ए होना चाहिए, सी ए है, इसका मतलब ये है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी एक रिलेशन हो सकता है, लेकिन हाँ ये सिमेट्रिक नहीं है। देख लो यहाँ पे, देखो आप बी सी है क्या, सी बी है, और सी बी भी है, अच्छा सी ए है क्या, ए सी है, तो ए सी इसमें नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, तो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो ये बना ली, अच्छा तीसरा बनाने की कोशिश करते हैं, तीसरा हम ले लेते हैं, ए ए को तो रखना ही पड़ेगा, बी बी को तो रखना ही पड़ेगा, सी सी को तो रखना ही पड़ेगा, है ना। अच्छा और हमें इन दोनों एलिमेंट्स को भी रखना पड़ेगा, क्योंकि बोला था इन दोनों को साथ में रख के आपको बनाना है, सही ना। अच्छा अब क्या किया जाए, तो अब ये हमने बी सी बात किया था, अब हम लोग जरा सी ए पे बात करते हैं, सी ए है तो इसका ए सी रख लेते हैं, ए सी, तो ए सी रखने के बाद और क्या रखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो सी पे खत्म हुआ, सी से स्टार्ट हुआ, तो बी ए होना चाहिए, तो बी ए क्या इसमें है, नहीं है, तो बी ए को रख लेते हैं, बी ए को रख लेते हैं। यहाँ देखो सी पे खत्म हुआ, सी से स्टार्ट होने वाला ये है, तो ए कॉमा ए इसमें है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे बी से ए पे खत्म हुआ, ए से स्टार्ट हुआ, तो बी सी होना चाहिए, तो बी सी ये खुद है, इसका मतलब ये सही है, सेट हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया, सही है। अच्छा तीन तो हो गया, अब एक और बनाते हैं, और बनाने की कोशिश करते हैं, तो ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, और सी कॉमा सी। अब बी कॉमा सी को तो रखना ही है, सी कॉमा ए को रखना ही रखना है, सही ना। अच्छा अब ऐसा करते हैं, बी ए ए बी को रख लेते हैं, ए बी, और बी ए को रख लेते हैं, ठीक है ना, ए बी बी ए, और क्या रखना पड़ेगा, चेक करते हैं, सही है। तो देखो सी पे खत्म हुआ, सी से स्टार्ट होना, बी ए होना चाहिए, तो बी ए इसमें है, हाँ है। अच्छा ए पे खत्म हुआ, ए से स्टार्ट हो, तो सी बी होना चाहिए इसमें, क्या सी बी है इसमें, नहीं है, तो सी बी को रख लेते हैं यहाँ पर, सी कॉमा बी, सही है ना। अब चेक करते हैं, तो यहाँ पे ए पे खत्म हुआ, ए से स्टार्ट हुआ, तो सी बी होना चाहिए यहाँ पे, है। अच्छा बी पे खत्म हुआ, बी से स्टार्ट हुआ, तो ए कॉमा ए ऑलरेडी है इसमें, सही है ना। तो आप देखो ये सेट हो चुका है, तो यहाँ पे ये आ चुका है, ये आ गया। अब अगर आप इसके अलावा और बनाने की कोशिश करोगे तो आपका सेट नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव रिलेशन अगर दिखाना हो इस सेट के लिए जिसमें ये दोनों एलिमेंट हो ही, तो ये सिर्फ चार ही बन सकता है, सही ना। तो इसी बात को यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, तो यहाँ लिखेंगे सो देयर आर ओनली फोर रिलेशन आर पॉसिबल विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अच्छा आप यहाँ पे चेक कर लो, ये सिमेट्रिक नहीं है, सही ना। देखो सी ए है, क्या ए सी है इसमें, इसमें ए सी नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। देखो यहाँ भी चेक कर लो, सी ए है, ए सी है, अच्छा बी ए है और ए बी है, क्या नहीं है इसमें, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं। तो जो भी हमने एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया है वो सभी क्या रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, सही ना। तो सिर्फ और सिर्फ यही चार पॉसिबल हो सकता था, और ये हो गया प्रूफ, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी हो गया कंप्लीट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।